मेरी बाइक क्या बहुत चौड़ी है ना, इसलिए अंदर घुस नहीं पाई। उस राक्षस से बचने के लिए शिव भगवान यहाँ छुपे हुए थे। काफी सही और काफी बड़ी केव से देख ले, क्योंकि यहीं से मुझे खतरनाक वाला व्यू दिख रहा है। उसका पूरा छपरा खोल दिया था, अंदर के कपड़े निकाल दिए थे, तो यहीं पर भस्मासुर अपने सिर पे हाथ रख के भस्म हो गया था। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पचमढ़ी से। एक बार फिर से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है पचमढ़ी में। तो कल शाम को आई थिंक हम लोग 6-7 बजे पहुंच गए थे पचमढ़ी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था। तो अगर आपने कल वाला वीडियो मिस कर दिया तो भाई साहब बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि कल हम लोग भोपाल से चले थे और भीमबेटका रॉक शेल्टर और भोजपुर शिवा टेम्पल, क्या ही ज़बरदस्त प्लेस थे वो दोनों, विजिट करके आए थे। तो इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है ना, तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरी सीरीज समझ में आएगी। और देखो भाई साहब, ये हमारा कुछ 8वां या 9वां एपिसोड है इस पूरी MP सीरीज का। इससे पहले हम लोग इंदौर गए थे, इंदौर 3 से 4 दिन हमने एक्सप्लोर किया था, उसके बाद भोपाल एक्सप्लोर किया, उसके आसपास के प्लेसेस देखे। तो आपने एक भी वीडियो नहीं दिखा रहा, तो क्या ही कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ऊपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वहां पर जाके ये पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो। और एक्चुअली कल बहुत ही ज्यादा ठंड थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा था कि वे सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, सुबह लेट उठेंगे, थोड़ा आराम से उठेंगे। तो अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और अभी जब मैं उठ के मैं जब बाहर चेकआउट कर रहा हूँ ना भाई साहब, तो यहाँ पर तो अलग ही सीन चल रहा है। मतलब मुझे लगा था कि मस्त धूप वूप आ गई होगी, मैंने खिड़की मतलब पर्दे हटाए, खिड़की खोली, तो यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो क्या ही सीन है इसकी, वहाँ का चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, क्या ही खतरनाक वाला कोहरा है देखो। और इस तरफ तो आपको तो कुछ दिख भी नहीं रहा है देखो। सो अभी हम लोग उठ तो गए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में तो बाहर निकल के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी सही से देख नहीं पाऊंगा और आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा सही से सारी जगह। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, और क्या ही कर सकते हम लोग, देखते हैं अभी कितने टाइम तक ये पूरा वेदर जो है क्लियर होता है, तब तक हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ। चलिए चलो भाई साहब, बहुत भयानक कोहरा है, देख रहे हो वापस से आ गया। हम लोग जब अपने रूम में थे तब क्लियर हो चुका था, अभी वापस आ चुका है, देख लो गाइस, ये है हमारा होटल इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सामने। और देख लो टॉप कॉर्नर पे, मतलब ये बल्लभगंज मार्ग जो है ना, उसके ठीक सामने बना हुआ है हमारा जो होटल है वो। और अभी हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर टेम्पल के लिए, केव्स भी बोल सकते हो आप, जटाशंकर केव्स, जटाशंकर टेम्पल यहाँ लिखा हुआ है, देखो जटाशंकर मार्ग, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हमारे होटल से। और थोड़ा ट्रैक भी हमें करना पड़ेगा, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जैसा होने वाला है इतनी ठंड में, और ठंड तो पूछो ही मत भाई साहब, क्या खतरनाक वाली ठंड हो रही है अभी तो। ओ वो वो अंदर की ओर है, आधा किलोमीटर का वॉक करना है आपको, और 150 सीढ़ी नीचे जाना, 150 सीढ़ी ऊपर आना। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं जटाशंकर केव्स के ट्रैक पे। मतलब एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा सा गेट बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप अपनी बाइक लेके अंदर घुस जाते हो तो अंदर जा सकते हो। मेरी बाइक क्या बहुत चौड़ी है ना, इसलिए अंदर घुस नहीं पाई, तो मुझे 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी, उतरनी पड़ेगी, तब जाके मैं पहुँचूँगा जटाशंकर महादेव के मंदिर के पास में। और देखो जटाशंकर महादेव से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखा के बताऊँगा, सेम ही मज़ा जाएगा आपको। ओ भाई साहब क्या नज़ारे है वहाँ पर, देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके ऊपर कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल मतलब बोल सकते अब जन्नत जैसा माहौल बन चुका है अभी यहाँ पर। सो देख लो गाइस, अभी हम लोग सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं, और हमने जहां पर बाइक रखी है ना, जिस गेट से एंट्री ली, वहां से सिर्फ 1/2 किलोमीटर का ट्रैक है, कुछ ज़्यादा नहीं है और बहुत ही आसान ट्रैक है, तो आपको पैदल चल के यहां तक आना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बाइक लेकर अंदर आते हो ना, तो भी देखो पीछे बहुत सारी बाइक रखी हुई है, तो यहाँ पर बाइक रख के यहाँ से सीढ़ियों से आपको आगे जाना है, और जहाँ से ये स्टेप शुरू होते हैं ना, वहीं पर भगवान हनुमान का मंदिर बना हुआ है, देख लो सबसे पहला मंदिर संकटमोचन हनुमान मंदिर, तो यहाँ पर आप चाहो तो दर्शन करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे जटाशंकर महादेव के दर्शन करने के लिए, और रिटर्न में इस मंदिर में दर्शन करने वाला है। चलिए फिर फटाफट आगे चलते हैं। चलाना है तेरे को, चलाते चला जा।
और एक्चुअली मैं पिछली बार जब हम लोग आए थे ना दोस्तों के साथ, तब ये जगह विजिट करना हम लोग भूल गए थे, मतलब मिस आउट ही कर दिया था हमने, हमारे दिमाग में था ही नहीं। लेकिन अभी आके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सही जगह हमने मिस कर दी थी। खैर हमने तो देख ली, लेकिन हमारे दोस्त अब पता नहीं वापस कब आएंगे। बहुत ही सही जगह है भाई, बहुत ही सही जगह है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ऐसे त्रिशूल, त्रिशूल एक्चुअली में आपको अंदर भी केव्स के अंदर भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और आप बोल सकते हो कि यहाँ से जटाशंकर मंदिर जो है वो शुरू होता है, तो यहाँ पर ही आपको अपने जूते चप्पल उतार रहे और आगे पैदल खुले पैर जाना है। और देखो यहाँ से और गहराई में हमें जाना है। भाई साहब देख रहे हो वहाँ पर कोई खड़ा है, मतलब इतना गहरा में जाना है अभी भी। वाओ ये देख लो, ओम नमः शिवाय। देखो अभी केव्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली में छोटी वाली केव्स है, इतनी बड़ी नहीं है। ये देख लो अंदर आ चुके अभी हम लोग। देख लो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं और वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम लोग गुफा के अंदर ही है, लेकिन आप खड़े रह के गुफा के अंदर नहीं आ सकते, आपको झुक के चलना पड़ेगा और बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ही सही एक्सपीरियंस। चलो अभी बाहर निकलते यहाँ से। तो देख लो गाइस यही है जटाशंकर टेम्पल, जटाशंकर केव्स, जैसे कि हमने आपको नीचे जाके दिखाया। और यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था। एक्चुअली मैं मुझे भी पता है, लेकिन महाराज यहाँ के जो पंडित जी उनको ज़्यादा पता होगा, तो उनसे ही पूछ लेते हैं इस जगह के स्टोरी के बारे में। भस्मासुर जो था ना राक्षस, उस राक्षस से बचने के लिए शिव भगवान यहाँ छुपे हुए थे। अच्छा। हाँ, जटाशंकर मंदिर में जटाओं का त्याग किए, तो जितना ये छोटा छोटा शिवलिंग बना हुआ है ना नीचे जमीन के अंदर, बड़ा बड़ा वो सब मार्मल में कन्वर्ट हुआ है, शिव जी का जटा है। अच्छा। और ये सामने देखिए लाइट चल रहा है ना, मगरमच्छ का शेप दिखाई देगा। हाँ, हुआ 108। 108। हाँ, ये शिव जी का अवतार है, नीचे जटाएं हैं और अंदर शेषनाग बना है। अंदर मतलब कहाँ पर? अंदर जटाएं छोड़ा, शिव जी ने शेषनाग का रूप धारण लिया। अच्छा। शेषनाग का रूप लेके इस गुफा से गुप्त हो गए। मतलब यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते क्या अभी? नहीं, अंदर नहीं जाते। शिव भगवान यहाँ से शेषनाग का रूप लेके गुप्त हुए, इसलिए गुप्त महादेव जाति गुफा। अच्छा। ये हाँ, शिव जी का पहला मंदिर ये है, दूसरा मंदिर है गुप्त महादेव। गुप्त महादेव वो अंदर ही है क्या? हाँ, यहाँ से पचमढ़ी सिटी से जाते 10 किलोमीटर, यहाँ से है 13 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से पास में है। हाँ। अरे भाई भाई भाई। सही है, तभी मैं सोच रहा था कि किसको देख रहा है। सो देख लो गाइस, यही था जटाशंकर महादेव का मंदिर। और एक्चुअली मुझे भी आज ही पता चला कि यहाँ पर महादेव के 5 मंदिर है, इसीलिए इस जगह को पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, इस शहर को। तो अभी हम लोग जटाशंकर महादेव से निकल रहे, जा रहे दूसरी प्लेसेस को विजिट करने के लिए। चलिए फिर। सो अभी हम लोग जटाशंकर महादेव से निकल के जा रहे हैं पंच पांडव केव्स के लिए, या फिर पांडवा केव्स भी बोल सकते हो आप, जो कि जटाशंकर महादेव से 3.5-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देख लो गाइस, पहुंच गए हम लोग पांडवा केव्स। वहां पर आपको जो ऊपर दिख रहा है ना, वही केव्स है, और ये उसके आगे की पूरी मार्केट। ये देख लो, छोटी सी खाने पीने की मार्केट है। यहां पर आप हॉर्स राइड ले सकते हो, मोटर राइड ले सकते हो, देख लो ऐसी छोटी छोटी बाइक भी चला सकते हो। और ये है पांडव उद्यान पचमढ़ी। मतलब आप कभी भी पांडवा केव्स को विजिट करने आते हो ना, तो यहाँ पर गार्डन्स के साथ फोटोग्राफी जरूर करना, काफ़ी सही फोटो आते हैं। और जो यहाँ पर मतलब बोल सकते हो अलग अलग किस्म के जो फूल्स है, फ्लावर्स है, पौधे हैं, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। और अब ये रास्ता देखो, जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ये देखो। तो अभी ज़्यादा गार्डन नहीं करना है, क्योंकि आपको लगेगा सिर्फ गार्डन दिखा रहा है। तो फटाफट पांडवा केव्स की तरफ चलते हैं और पांडवा केव्स को देखते हैं। चलिए देखो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पांडवा केव्स। सो देख लो, यहाँ पर पांडवा केव्स की हिस्ट्री के बारे में, मतलब उसके इतिहास के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसकी स्टोरी लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। सो देखो, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जैसे ही आप पहली वाली सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आओगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बड़ी सी केव्स देखने को मिल जाएगी। इसके एक्चुअल में 3 एंट्री गेट बने हुए हैं और अंदर से काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सही केव्स है। ये देखो, इधर से स्टार्ट होती है और इधर तक,
काफ़ी सही और काफ़ी बड़ी केव से देख लो। सर देखो कुछ स्टोरीज के हिसाब से मतलब ये जो गुफा थी ना, तो यहाँ पर पांडवों ने अपने बोल सकते वनवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान कुछ पल यहाँ पर बिताए थे। धीरे धीरे करके कितना ऊपर आ गए हम लोग, और हमें और ऊपर जाना है। यहाँ पर भी एक शेल्टर बना हुआ है, गुफा बनी हुई है, और इसके ऊपर यहाँ तक हम जा सकते हैं, ऊपर तक दिखाते हैं आपको। चलिए सो ये है केव्स नंबर 3, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये छोटी सी केव्स बनी हुई है, और इस सीढ़ियों से उतर के इस तरफ अंदर जाना है। चलिए ये देखो यहाँ पर भी छोटी सी केव्स है, लेकिन यहाँ पर एक और दरवाज़ा भी है जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो इस तरफ, देखो। और अंदर एक छोटा सा रूम बना हुआ है, और यहाँ से नज़ारे देखो आप। भाई साहब देख लो, फाइनली पहुंच चुके अभी हम लोग पांडवा के उसके टॉप पे, सबसे ऊपर, और यहाँ से नज़ारे देखो क्या ही सही लग रहे हैं। पूरे पचमढ़ी का एरियल व्यू आप यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी सही नज़ारे। और जो गार्डन मैंने बोला था ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। सो देख लो भाई लोग, अभी हम लोग निकल रहे पांडवा केव से और जा रहे हैं दूसरी प्लेस को विजिट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से काफ़ी सही फोटोग्राफ्स आती है, हमने बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स ले लिए। तो अगर आपको सारे के सारे फोटोज़ देखने हैं ना, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक होगा, वहाँ पर जाके फॉलो करिए, काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे और जा रहे दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए। चलिए चलो निकला जाए, और पांडवा केव्स को विजिट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं प्रियदर्शनी पॉइंट, प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट बोल सकते हो आप। और एक्चुअली देखो धूपगढ़, प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, ये सारी जगहों पे है ना, टूरिस्ट ज़्यादातर शाम के टाइम पे जाते हैं अपना सनसेट एंजॉय करने के लिए। लेकिन आज इतने बादल है ना भाई साहब, मुझे पता ही है कि सनसेट तो होने ही नहीं वाला। देख लो भाई लोग, पहुँच गए प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, और वहाँ से पैदल ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ के लोकल भाई साहब बोल रहे हैं, और मैप में भी वही दिखा रहा है पैदल ट्रैक। कितना ऊपर है? 200 मीटर ही है। सही है, 200 मीटर ट्रैक करना पड़ेगा। प्रियदर्शनी के साथ साथ इको पॉइंट भी यहाँ पर ही है, मतलब आपको गूगल में सर्च करोगे ना इको पॉइंट प्रियदर्शनी, तो आपको एक ही जगह पे लेके आएगा, दोनों पास पास में ही है, एक ही साथ है। और वहाँ से भाई साहब जो व्यू है ना, दिखाते हैं आपको आगे। सो अभी हम लोग प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट बस पहुंचने वाले, मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, पूरा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई साहब। मतलब मैं यहाँ से ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे खतरनाक वाला व्यू दिख रहा है। सो आई होप कि हमने जो ड्रोन शॉट्स लिए, यहाँ का जो एरियल व्यू आपको दिखा है, वो आपको पसंद आया होगा। भाई साहब कोई सवाल ही नहीं पसंद ही आएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह है और कितने खतरनाक व्यू है यहाँ से, पसंद आने ही वाला है। सो बस यही मतलब अंदर दिल से चाह थी मेरी कि ड्रोन उड़ जाए, और उड़ गया तो मज़ा आ गया भाई साहब। अभी हम लोग यहाँ से मतलब प्रियदर्शनी पॉइंट और इको पॉइंट से, मतलब दोनों एक ही जगह है, तो यहाँ से निकल रहे और जा रहे दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए। आगे एक और महादेव का एक इंटरेस्टिंग मंदिर है, वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली, अभी मिलते हैं बाइक पर। तो प्रियदर्शनी छोड़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे महादेव के गुफा मंदिर पे, जो कि यहाँ से कुछ अराउंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको उसी रास्ते पे आगे जाना है, पचपड़ी साइड पे वापस नहीं जाना है, उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। देख लो पहुँच गए महादेव के मंदिर पे। कहाँ से जाना है भाई? और देखो भाई साहब, ये बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, मतलब पचमढ़ी जितने भी लोग आते हैं ना, यहाँ पर दर्शन किए बिना जाते नहीं, यहाँ पर और जटाशंकर महादेव दोनों ही जगह काफ़ी पॉपुलर है। ये देखो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल एंट्री गेट पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा महादेव गुफा। सो इस जगह को बड़ा महादेव या फिर बड़ा गुफा महादेव या फिर गुफा महादेव के नाम से भी जाना जाता है, बहुत नामों से जाना जाता है। और भाई साहब यहाँ पर जब भी आओ,
बंदरों से बिल्कुल सावधान रहना, मतलब आपके पास जो भी व्हीकल हो ना उसको बड़ी अच्छी तरीके से संभाल कर रखना। मतलब देखो आपको मेरे पीछे गाड़ी दिख रही है ना, उसका पूरा छपरा खोल दिया था अंदर के कपड़े निकाल दिए थे। तो मतलब जब भी यहाँ पर आते हो ना अपना व्हीकल ध्यान से रखो, बहुत ही ज़्यादा बंदर है और भाई साहब कुछ भी करेंगे। देखो हर जगह पे बंदर ही बंदर है। क्या कर रहा है भाई तू? मैं खा गया मैं साले पीछे से निकल के खा गया। और देखो इसकी स्टोरी की बात करें तो सुबह हम लोग गए थे ना जटाशंकर महादेव, तो वहाँ पर भगवान शिव के बाल गिर गए थे, जटा गिर गई थी। और यहाँ पर भगवान विष्णु ने, आपको पता होगा कि एक रूप सुंदरी का वेश लेके डांस किया था और भस्मासुर को अपने सिर पे हाथ रखवा दिया था, तो यहीं पर भस्मासुर अपने सिर पे हाथ रख के भस्म हो गया था। ये वही जगह है। सभी मंदिर के अंदर जाने के लिए हमने जूते उतार दिए बाहर, लेकिन बाहर इतने ज़्यादा बंदर है कि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे जूते वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। महादेव रक्षा करना। चलो अभी अंदर आ चुके हम लोग, ये देखो, और अंदर पूरा गीला है, देखो हर जगह पे गीला ही गीला, और पानी बहुत गिर रहा है। ये देखो बहुत ही खतरनाक वाली जगह है भाई साहब, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा पता है मुझे, लेकिन गुफा के अंदर जा रहा हूँ मैं, हर तरफ से पानी गिर रहा है। देखो अगर कुछ दिखता है तो दिखाता हूँ आपको। और ये देखो लकड़ी का फ्रेम बनाया हुआ है एक्चुअली में, ताकि ऊपर से पत्थर वत्थर गिरे ना, और नीचे कुंड बना हुआ है बहुत ही सही। ये रहे हमारे महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो देख लो गाइस, यही था गुफा महादेव का मंदिर, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और देखो इस मंदिर का जो मेन एंट्री गेट है ना, वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 100 से 150 मीटर चलना होगा, उसके बाद ये मंदिर आ जाता है। मतलब मंदिर से आप डायरेक्टली मेन एंट्री गेट देख सकते हो, उतना कुछ खास चलने का है नहीं, आप इजीली आ सकते हो, मंदिर में दर्शन कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि अभी तक मैंने जितनी भी गुफा देखी ना, उसमें से इस वाली गुफा, इस वाली केव्स को देख के ऐसा लगा कि भाई हाँ रियलिटी में ये केव्स है, काफ़ी अंदर है, काफ़ी गहरी है, और मतलब सच में आपको गुफा वाली फील आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बोल सकते हो आप हिस्टोरिकल मंदिर है। तो अगर आप पचमढ़ी आ रहे हो तो इस मंदिर को डेफिनेटली विजिट करने आ सकते हो।